permeable membrane. इससे पहले जो भी नाम लिए थे वो सब क्या थे? natural. और भी है, देखो natural में क्या आता है? animal bladder. बायो वाले स्टूडेंट को मालूम रहेगा ब्लैडर क्या होता है. दूसरा होता है सेलुलोज, प्लांट रूट होता है सेलुलोज, राइट, या फिर सेलुलोज नाइट्रेट. फिर एक्सेट्रा, दीज आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अगर आपको आर्टिफिशियल चाहिए तो कॉपर फेरोसाइनाइड इन पोरस मटेरियल. ओके, आपके पास पोरस मटेरियल होना चाहिए, इसके अंदर कॉपर फेरोसाइनाइड अगर आप ट्रैप करते हो जेल के फॉर्म में, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, विच इज एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. प्लस क्या स्पेशलिटी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का? इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, बट डू नॉट अलाउ सॉल्यूट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट. ठीक है, तो सच मेम्ब्रेन कॉल्ड एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. प्लस नाउ विल सी व्हाट इज ऑस्मोसिस. सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, वी डिवाइडेड बाय सेमी परमेबल, हमने पार्टीशन डाल दिया किसका? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का. इस साइड पे सॉल्वेंट है और इस साइड पे सॉल्यूशन है. क्लास सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? इट इज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट. तो एक साइड पे ऐसे सॉल्वेंट है और एक साइड पे सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर एक पिस्टन लगा देते हैं. शायद आपने थर्मो में सीखा रहेगा पिस्टन क्या होता है. पिस्टन मालूम है सब लोग को? yes. और दोनों साइड पे लेवल एग्जैक्टली सेम है. तो हमने जितना सॉल्वेंट लिया है ऑन साइड ए उतना ही सॉल्यूशन लिया ऑन साइड बी. तो क्या आप देखोगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स ओन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम विच साइड? सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, राइट. अपने आप होता है, हम लोग कुछ नहीं करते. इट इज कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो मूवमेंट ऑफ इसका मूवमेंट होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड. और ये मूवमेंट अपने आप होता है, हम लोग फोर्सफुली करते हैं? स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो, राइट, ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू व्हाट? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. Semi-permeable membrane is called as what? Osmosis. क्या बोलते हैं उसको? Osmosis. तो अगला मेरा क्वेश्चन है, अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पे जाना शुरू करेगा तो कौन से साइड का पिस्टन ऊपर जाएगा? ए साइड का या बी साइड का पिस्टन ऊपर चला जाएगा? बी साइड का ना, क्योंकि सॉल्यूशन साइड पे पार्टिकल ज्यादा हो रहे हैं. Yes. हेलो सर,
हेलो एवरीवन. यस सर. सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके तो क्लास अगर सॉल्यूशन साइड पे सॉल्वेंट जा रहा है उसको रोकना है तो हम लोग कहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, सॉल्वेंट साइड पे या सॉल्यूशन साइड पे? एवरीवन साइड पे. तो आप वो फ्लो रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करोगे, जस्ट अप्लाई करोगे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या बोलते हैं उसको? ऑस्मोटिक प्रेशर. द प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन व्हिच साइड? सॉल्यूशन साइड. टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर. अगला, अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे क्या होगा? समझो फ्लो रोकने के लिए आपको चाहिए 2 एटमॉस्फेयर, राइट? आपने अप्लाई किया 4 एटमॉस्फेयर, तो क्या उससे क्या होगा अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो? सॉल्यूशन चला जाएगा. सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं, हाँ सॉल्यूशन साइड से. सॉल्यूशन कौन चला, कौन मूव कर सकता है? सिर्फ सॉल्वेंट. सॉल्यूट नहीं कर सकता. कौन मूव करेगा? हाँ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मूव करेगा कहाँ से? सॉल्यूशन साइड टू बी टू ए सॉल्वेंट साइड. क्लास प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस. नहीं रे बच्चा, हम लोग बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना. हम लोग अपने आप हो रहा है? अपने आप हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं नहीं. कैसे हो रहा है? हम लोग जब बाहर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तब हो रहा है ना, ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. यस सर. प्रोसेस कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस. तो इस केस में क्या होगा? ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है. तो क्लास सॉल्यूशन साइड से सिर्फ कौन मूव करता है? सॉल्वेंट ही मूव करता है. सॉल्वेंट हाँ, नॉन स्पॉन्टेनियस है, राइट? क्लास एनीबॉडी उसको क्या बोलना चाहिए? उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस. क्या बोलते हैं उसको? रिवर्स ऑस्मोसिस. एवरीवन, तो अगर आप इतना ही प्रेशर अप्लाई करो कि ऑस्मोसिस रुक जाए तो क्लास क्या बोलेंगे? प्रेशर को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. और अब ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे कौन सा प्रोसेस होगा? ऑस्मोसिस का अपोजिट, रिवर्स ऑस्मोसिस. तो क्लास ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पे जाता है और अपने आप जाता है. और यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड पे जाएगा और कैसे जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियसली जाएगा सॉल्वेंट. आर यू क्लियर? क्लास बोलो जल्दी जल्दी, समझा या नहीं समझा? हेलो. हाँ बोलो. नो क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस वाला जो रहता है उसको क्या बोलते हैं उस प्रेशर को? उसको उस प्रेशर का कोई नाम नहीं, क्योंकि तुम प्रेशर ज्यादा कम अप्लाई कर सकते, राइट? देखो ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? एग्जैक्ट प्रेशर जिससे आपको क्या करना है? ऑस्मोसिस को रोकना है, राइट? अगर प्रोसेस रिवर्स करना है तो आप उससे ज्यादा कितना प्रेशर अप्लाई कर सकते हो? तो उस प्रेशर का कोई वैल्यू होगा क्या? एकदम फिक्स वैल्यू नहीं होगा. तो प्रेशर को नहीं, उस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं. तो यू हैव टू प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. एनी प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, विल कॉज व्हिच ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, उस प्रेशर का कोई नाम नहीं है एक्चुअली. हाँ, अभी दूसरा चीज देखते हैं. हमारे पास कंटेनर है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस साइड पे सॉल्यूशन है, इस साइड पे भी सॉल्यूशन है. ये 0.1 मोलर सॉल्यूशन है और ये 0.2 मोलर सॉल्यूशन है. ठीक है. क्लास अभी कौन फ्लो करेगा? यस एनीवन, कौन फ्लो करेगा? क्लास आप पहले इतना आंसर देते, अभी सब लोग चुप हो रहे, क्या मतलब? आई डोंट अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे फ्लो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा ना सर. प्रेशर अप्लाई करने के बाद करेगा क्या? क्या प्रेशर अप्लाई करने के बाद करेगा? नहीं, ना नहीं नहीं, अपने आप करेगा सर. वो 0.2 मोलर वाला करेगा क्या? नहीं नहीं, मुझे तो हमेशा क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है, राइट? हाँ. आपको ना हमेशा इक्विलिब्रियम आने की कोशिश होती है. तो जो ज्यादा है वो कम होना चाहता है, कम है वो ज्यादा होना चाहता है, सो दैट कंसंट्रेशन बिकम इक्वल. अभी इसको दोनों साइड पे कंसंट्रेशन सेम करना है तो कौन फ्लो करेगा? सॉल्वेंट. यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे ए साइड पे और बी साइड पे, ए साइड पे सॉल्वेंट है, हाँ, हाँ. तो सॉल्यूट है, राइट? बी साइड पे भी सॉल्वेंट है एंड सॉल्यूट है. अगर मुझे तो बी साइड से ए साइड पे सॉल्वेंट आना शुरू करेगा तो क्या होगा? बी साइड से ए साइड पे सॉल्वेंट आना शुरू करेगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन और बढ़ेगा, राइट? बी साइड का ए में बढ़ेगा.
कॉन्सेंट्रेशन बी साइड का बढ़ेगा, ए का नहीं बढ़ेगा. व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. अगर पानी बी साइड से ए साइड पे जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा? वॉल्यूम कम होगा राइट. वॉल्यूम कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ रहा है. तो क्लास ये अलाउड नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियसली तो नहीं हो सकता. ओके पर क्लास अगर वॉटर ए साइड से बी साइड पे चला जाएगा, वॉटर मतलब सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट ए साइड से बी साइड में चला जाएगा, इफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम ए साइड टू बी साइड, तो प्लस व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो ए साइड का वॉल्यूम कम होगा तो ए साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा. बी साइड का क्या होगा? कम होगा. प्लस ये कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों कॉन्सेंट्रेशन क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते, राइट? इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको. आर यू क्लियर? हाँ या ना? हाँ सर. यस सर. तो क्लास कौन फ्लो करेगा? इस केस में भी सॉल्वेंट ही फ्लो करेगा, पर कहाँ से? फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन. हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉरी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ओके कौन फ्लो कर रहा है? सॉल्वेंट. कैसे कर रहा है? अपने आप कर रहा है, हम लोग फोर्सफुली कर रहे हैं, करवा रहे हैं उसको स्पॉन्टेनियसली अपने आप. हाँ, स्पॉन्टेनियस फ्लो of solvent molecules from low concentration to kya? High concentration. So from solution of low concentration to solution of high concentration through semi-permeable membrane. इसको भी हम लोग बोलते हैं osmosis ही बोलते हैं. तो osmosis का दो definition है. आपके पास एक साइड पे सॉल्वेंट है और एक साइड पे सॉल्यूशन है, तो फ्लो कौन करेगा? सॉल्वेंट. कौन सा साइड पे? सॉल्यूशन साइड पे, ऑन इट्स ओन. या फिर आपके पास दोनों साइड पे सॉल्यूशन है तो फ्लो कौन करेगा? सॉल्वेंट ही करेगा, पर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. तो दोनों प्रोसेस को बोलते हम लोग ऑस्मोसिस. अगर रिवर्स ऑस्मोसिस करना है तो जिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो पहले केस में सॉल्यूशन साइड पे फ्लो हो रहा था तो आप सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर अप्लाई करो, ऑस्मोसिस रुक जाएगा. अभी सेकेंड केस में हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड पे सॉल्वेंट फ्लो रहा है तो आप हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड पे प्रेशर अप्लाई करो, प्रोसेस रुक जाएगा. तो प्रोसेस रुकने के लिए आपको जो भी प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, वी कॉल दैट प्रेशर एज व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर. ज्यादा फास्ट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? पहले वो बोलो, मैं फिर आगे बढ़ूंगा. मैं सर ऑस्मोसिस में लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाता है, हाँ, या फिर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में जाता है, दोनों भी ऑस्मोसिस है. बोलो बोलो, क्या आपने क्या बोला था? आपको क्लियर है? ऑस्मोसिस में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है ना? नहीं रे, उल्टा बोल रहे हो तुम. एग्जैक्टली, लोअर से हायर में जाता है. हाँ 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 सर, हाँ बराबर. हायर से लोअर में जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? जो हायर है वो और भी हायर बनता जाएगा और लोअर है वो और भी लोअर बनता जाएगा. इक्विलिब्रियम आएगा नहीं, डिस्टर्ब होगा इक्विलिब्रियम. आपको इक्विलिब्रियम लाना है एक्चुअली, गॉट इट? हाँ, अगर लो से हाई में जाएगा पानी, जो कॉन्सेंट्रेशन लो है वो हाई बन जाएगा और जो हाई वो लो बन जाएगा. कब तक? जब तक दोनों कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में नहीं आते तब तक. प्लस क्लियर है? तो ऑस्मोसिस में बहुत सारे लॉज है. पहला है वैन टॉप बॉयल्स लॉ, अपने बुक में नहीं है, ध्यान दो. इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. वैन टॉप टेक्स्ट बुक में लॉ नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वैन टॉप बॉयल्स लॉ JEE में है और नीट में भी है. तो वैन टॉप बॉयल्स लॉ बोलता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ओके, क्लास सिंबल फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन बोला तो कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी. पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी. और क्या टाइम कौन सा है यहाँ पे? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. क्लास, हाँ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पाई वन अपॉन सी वन इज इक्वल टू पाई टू अपॉन सी टू. क्लास वही है ना? पाई वन अपॉन सी वन इज इक्वल टू पाई टू अपॉन सी टू. कैसे आया बताने की जरूरत है? चलो बता देता हूँ. आप शायद बोल क्लास, अगर पाई प्रोपोर्शनल टू सी है तो क्या होगा? पाई इज इक्वल टू
के इनटू सी बराबर, मतलब पाई अपॉन सी इज इक्वल टू के, मतलब क्या कांस्टेंट। तो मतलब पाई काली कुछ भी हो सी काली कुछ भी हो उनका रेशियो क्या होगा हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो बस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जब c1 था तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन था, अगर हमने कंसंट्रेशन c1 को c2 कर दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा पाई टू, पर रेशियो का तो हमेशा क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। तो वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ इज पाई 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू बोलिए पाई 2 अपॉन c2। पहला फार्मूला इंपॉर्टेंट पाई 2 अपॉन c2, व्हाट पाई स्टैंड फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके तो क्लास पाई प्रोपोर्शनल टू सी राइट, बट व्हाट इज सी, सी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम बराबर। कंसंट्रेशन क्या होता है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फार्मूला है मोलैरिटी का, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो क्लास अगर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बट क्लास अगर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल दोनों कॉन्स्टेंट रख दिया, आपने इसको भी कॉन्स्टेंट रख दिया, पाई प्रोपोर्शनल टू बोलिए 1/V, if number of moles and temperature both are constant. So you can simply say pi is equal to k into 1 upon V, right? Or pi into V is equal to k. K matlab kya? Constant. So you can simply say pi 1 into V1 is equal to pi 2 into V2. Plus ye same formula for Van't Hoff Boyle's law. मतलब दो फॉर्म ले सकते हो Van't Hoff Boyle's law के लिए, pi 1 upon c1 याद रखो is equal to pi 2 upon c2, या फिर pi 1 v1 is equal to pi 2 v2, Van't Hoff Boyle's law. सर दोनों भी दोनों भी Van't Hoff Boyle's law है? हाँ दोनों भी वही, अरे एक ही law है अलग अलग तरह से लिखा है, एक में c लिखा है एक में v लिखा है, डिपेंडिंग ऑन आपको न्यूमेरिकल में क्या चाहिए, आपको पहला यूज करना पड़ेगा दूसरा यूज करना पड़ेगा। डन ओके सर यस। हां प्लस नेक्स्ट लॉ इज वैंट ऑफ चार्ल्स लॉ, वैंट ऑफ चार्ल्स लॉ बोलता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर इन केल्विन प्रोवाइडेड concentration is constant, concentration hona chahiye constant, molarity is constant hona chahiye at constant concentration. So, pi proportional to c, sorry pi proportional to t at constant c. ठीक है सर, पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कैसे बढ़ेगा प्रेशर? बढ़ेगा टेम्परेचर और प्रेशर, अरे अरे ये तो एकदम सिंपल लॉजिक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजंस बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ कोलिजंस बढ़ेंगे तो प्रेशर, बोलो बराबर है? पर सर ये तो हम लोग बाहर से लगाने वाले ना। हाँ अगर हाँ बाहर से लगा रहे तो देखो अगर मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट जाएंगे ए से बी तक तो उसको रोकने के लिए भी बाहर से प्रेशर अप्लाई ज्यादा नहीं करना पड़ेगा ना, अगर मॉलिक्यूल फास्ट जाएंगे रैपिडली जाएंगे ए से बी में तो बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो बराबर, यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो मॉलिक्यूल है पॉइंट साइड ए पे, जो साइड ए के मॉलिक्यूल है वो बी साइड पे फास्ट जाएंगे या स्लो जाएंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो? सर इसको लॉक कर दिया क्या ऊपर? हाँ सर ऊपर से लॉक है क्या पूरा? लॉक मेरे वो पिस्टन है, पिस्टन वो ऊपर जा सकता है ऊपर नीचे, लॉक कैसे करेंगे फायदा क्या फिर? अगर तुम लोगों ने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्लस इन मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, हाँ या ना? बढ़ेगा बढ़ेगा सर। तो वो फास्ट वो रैपिडली जाएंगे ए साइड से बी साइड पे, हाँ या ना? यस। तो अगर रैपिडली जाएंगे तो उनको रोकने के लिए जो बाहर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा वो भी आपको ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा,
हाँ यस सर नहीं समझा 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 हाँ हाँ तो पाई प्रोपोर्शनल टू टी या फिर आप बोल सकते हैं पाई इज इक्वल टू के इनटू टी या फिर पाई अपॉन टी इज इक्वल टू के या फिर पाई वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पाई टू अपॉन टी टू डन क्योंकि आपका वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ इम्पोर्टेंट है अगेन फॉर न्यूमेरिकल्स ओके कुछ पूछना है मुझे आगे बढ़ना है फटाफट बोलिए नहीं मैं अज्यूम करूँ ना हाँ सर वेंट ऑफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन तो हमने देखा था वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ में pi proportional to c right at constant t pi proportional to t at constant c पहला वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ दूसरा वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ बताया पहला वाला वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ दूसरा वाला वेंट ये वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ है और ये वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ है दोनों को कंबाइन करो क्या आएगा pi proportional to C into T. तो अगर प्रोपोर्शनल निकाल दोगे तो पाई इज इक्वल सम कांस्टेंट के राइट इनटू सी डी तो के इनटू सी डी पर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो अगर वेंटोफ ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एंड ही प्रूव दैट वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू gas constant what is gas constant symbol r capital r capital r to usne prove kiya ki k ka value r jitna hi hota hai gas constant utna he replace k by r to pi is equal to crt theek hai class to pi is equal to ha bolo सर आपने वो बोला वो जो वेंट ऑफ बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन कर देना सर हाँ. पर इन दोनों में जब क्या बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है तब तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और जब चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है तब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है हाँ, अभी दोनों जब दोनों को अप्लाई करोगे तो तुम्हें कांस्टेंट सेम मिला या नया मिला डू यू गेट सेम कांस्टेंट और सम न्यू कांस्टेंट सर वेंट ऑफ बॉयल्स में जो कांस्टेंट था वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ में जो कांस्टेंट था क्या वही कांस्टेंट इस इक्वेशन में है आंसर इज नहीं नहीं मतलब क्या अभी ना टेम्परेचर कांस्टेंट है ना कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो हम लोग लॉ कंबाइन करते हैं तो दोनों कांस्टेंट निकालने पड़ते हैं हम लोग को ठीक है तभी नया कांस्टेंट मिलता है ना तो अभी तो नया कांस्टेंट मिलता है ठीक है तो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू क्या 8.314 कुछ हां गैस कांस्टेंट ठीक है तो पाई इक्वल टू सीआरटी हां प्लस व्हाट इज फार्मूला फॉर कॉन्सेंट्रेशन तो यहां पे आ जाओ कांस्टेंट कहां पे कौन सा सी इज व्हिच कॉन्सेंट्रेशन says molar concentration molar concentration koi dusra chalega nahi ya so class what is formula molarity molarity is formula number of moles of solute upon volume of solution in liter to class main n2 ko main yahan pe for simplicity main n likhta hu n2 likha to bhi koi galat nahi hai so what is n here number of moles of solute moles of solute and what is v volume of solution in liter that as hum log dalenge equation 1 mein to plus kya aayega pi is equal to n upon v into rt barabar hai ya fir pi into v is equal to nrt plus this equation look like आइडियल गैस इक्वेशन गैस के लिए होता है और इक्वेशन किसके लिए सॉल्यूशंस के लिए क्या नाम है इक्वेशन का वेंट ऑफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन तो इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन जैसा थोड़ा बहुत बट इट इज नॉट फॉर गैस इट इज फॉर व्हाट सॉल्यूशंस वेंट ऑफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन दो इक्वेशन है नंबर 1 नंबर 2 डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल्स में क्या आता है पाई इक्वल टू सीआरटी या फिर nrt so this equation is called as the wendt of general solution equation
बस एक चीज और है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके बोलो? सॉल्यूट के. हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट? अगर ऐसा है प्लस कैन आई राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड एज डब्ल्यू टू अपॉन एम टू. व्हाट डब्ल्यू टू स्टैंड फॉर? मास ऑफ सॉलिड. मास ऑफ सॉलिड M2 मोलर मास. डाल दो तो क्या आएगा? 5V is equal to W2 upon M2 into RT. बराबर है? Therefore M2 is equal to W2 RT upon 5V. A very very important क्वेश्चन क्लास. इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं या फिर इस क्वेश्चन को डिराइव करने को आया. तो M2 is equal to W2 RT upon 5V याद रहेगा. तो क्लास कुछ चीजें एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. आप पाई इक्वल टू सीआरडी या फॉर्मूला यूज करते हो तो ऑलवेज ऑलवेज टेक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इन विच यूनिट एटमोस्फियर. हमेशा पाई को किसमें लोगे आप? एटमॉस्फेयर में होगा. अगर नहीं है तो कन्वर्ट करो. आपको मालूम है कन्वर्जन फैक्टर सब मालूम है ना? हाउ टू गेट प्रेशर इन एटमॉस्फेयर आपको सबको आता है. तो पाई मस्ट बी इन एटमॉस्फेयर. नहीं है तो कर दो. प्लस आता है कन्वर्जन फैक्टर. वन एटमॉस्फेयर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. इलेवन में बहुत बार सीखा हम लोगों ने. 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. 1.013 बार 760 टॉर 1.013 10 रेज़ टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल या फिर 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो पास्कल. तो क्लास प्रेशर अगर इसमें से कोई भी यूनिट में हो सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या फिर बार या फिर टॉर या फिर पास्कल या फिर किलो पास्कल आपको करना किसमें करना उसको? एटमॉस्फेयर में. तभी जाके फॉर्मूला यूज होगा. एंड क्लास यू हैव टू टेक ऑलवेज वैल्यू ऑफ आर एज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. तभी आपका पाई इक्वल टू सीआरडी से आंसर आएगा नहीं तो नहीं आएगा. एंड क्लास फॉर एमसीक्यूज 0.0821 ये वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली is approximately होता है 1/12. तो क्लास ये कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ता है अगर 1/12 लेके करोगे तो. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 0.81 फॉर एमसीक्यूज गो फॉर व्हाट? 1/12. मतलब क्या बोला मैंने? हां, पाई इक्वल टू सीआरडी फॉर्मुलाइज करते हो तो दो चीजें याद रखना है. पाई मस्ट बी इन एटमॉस्फेयर एंड आर मस्ट बी इन लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. नहीं तो आपका आंसर आने का चांसेस जीरो. डन. अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पाई लेते हो एटमॉस्फेयर में तो आपको आर कितना लेना पड़ेगा बोलो? 0.0821 एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. ठीक है. प्लस कंपलसरी आपको लेना पड़ेगा आपको लीटर लीटर में. वेरी गुड. नहीं है तो कन्वर्ट कर दो. क्लास हाउ टू कन्वर्ट वॉल्यूम इन लीटर? 1 cm क्यूब इज 10 रेस टू -3 लीटर, राइट? लीटर. 1 dm क्यूब इज 1 लीटर. लीटर को dm क्यूब बोलते, राइट? 1 मीटर क्यूब इज 10 रेस टू 3 लीटर. ये वॉल्यूम लीटर में नहीं तो उसको लीटर में करवे दे. कन्वर्ट कर दो. ठीक है? यस सर. हां, क्लास अगर पाई को आपको लेना है पास्कल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल लेना है तो आपको आर का लेना पड़ेगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. नहीं तो आंसर नहीं आएगा. और आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा किसमें? एनी गेसेस? मीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर ही आना चाहिए. आर यू क्लियर? नहीं तो अगर दोनों में से आप कुछ भी मिक्स करोगे तो इसका आंसर आपको नहीं आएगा. Plus, remember for theory also, numericals.
ओके तो क्लास हम लोग कुछ अभी देखते हैं एमसीक्यूज, पहले ये देख लो पूरा अच्छे से क्या क्या किया हम लोगों ने आज, ऑस्मोसिस वगैरह सब। सिर्फ एटमॉस्फेयर और इसमें पूछते हैं पास्कल में, पूछते हैं और नहीं पूछा तो ये देखो ये सब कन्वर्जन है उसमें कन्वर्ट कर दो, पूछते नहीं वो पूछेंगे उनकी मर्जी, उनको जो पूछना है पूछने दो, पर अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो यार क्या करना है कन्वर्ट प्रेशर एटमॉस्फेयर या फिर इन पास्कल, वो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यस बस एक चीज और, अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन वन एंड सॉल्यूशन टू, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों का क्या सेम होगा और व्हाट इज पाई इक्वल टू सीआरटी, सीआरटी पाई इक्वल टू सीआरटी राइट, तो सी वन सेम सी वन सी टू सेम टी वन टी टू सेम, आर तो हमेशा सेम होता है, तो दोनों का क्या सेम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, तो पाई वन इक्वल टू पाई टू, थोड़ा ऐसा सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको बोलते हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बराबर है। प्लस अगर पाई वन ज्यादा होगा और पाई टू कम होगा तो पाई वन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू, बोलो पाई वन ज्यादा होगा, हाँ तो पाई वन नहीं वन सॉल्यूशन वन हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन टू टू। हाँ प्लस अगर उल्टा होता पाई वन कम होता और पाई टू, ओके ओके या एक मिनट प्लस उसको ही पहले कंटिन्यू करते कंप्लीट करते हैं, सॉल्यूशन वन इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन टू एंड सॉल्यूशन टू इज हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन वन, क्लियर है। तो जिसका ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक और जिसका कम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक। अगर दो सॉल्यूशन आपको दिए अगर आपको दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम है तो जिसका अगर दोनों का सेम है तो आइसोटोनिक, एक का ज्यादा समझो एक का ज्यादा और एक का कम है तो जिसका ज्यादा है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक। तो बस आपको एक सॉल्यूशन देख के हाइपर हाइपो नहीं बता सकते राइट, आपके पास कितने होने चाहिए दो होने चाहिए कम से कम, नहीं दो ही होने चाहिए हाँ ठीक है कम से कम दो, तो क्लास तो कंपेयर करना पड़ेगा आपको एक को दूसरे के साथ, जिसका ज्यादा है वो हाइपरटोनिक जिसका कम है वो हाइपोटोनिक, क्लास क्लियर है। हाँ तो क्लास एक क्वेश्चन और है, समझो मेरे पास एक मैंगो है, तो क्लास पका हुआ अच्छे से पका हुआ मैंगो, तो अंदर क्या होगा कुछ सोल्यूशन उसके अंदर कुछ लिक्विड्स होंगे मैंगो के अंदर केमिकल्स होंगे आया ना, और मैंगो का जो लेयर है कवर दैट कवर इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्या है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आई पुट दैट मैंगो इन वाटर, तो प्लस क्या होगा अंदर वाटर अंदर जाएगा या अंदर क्या सॉल्यूशन बाहर आएगा बोलिए आप, वाटर अंदर जाएगा, वाटर अंदर जाएगा, रीजन ऑस्मोसिस क्या होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड राइट, तो पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा एग्री, यस प्लस ये मैंगो स्वेल होगा या श्रिंक होगा, स्वेल स्वेल होगा, तो मैंगो विल स्वेल मैंगो फूल जाएगा राइट। हाँ तो क्लास यही मैंगो अगर हम रखते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, बाहर कौन सा सॉल्यूशन है एसिडिक एसिड, तो ना अंदर भी सॉल्यूशन है मैंगो के अंदर उसके खुद के लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं और बाहर भी सॉल्यूशन है राइट, ये तो क्लास एसिडिक एसिड इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड अंदर के मैंगो के अंदर, देखो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू अंदर जो एसिड होंगे मैंगो के अंदर उस कंपेयर में एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो क्लास क्या होगा
मैंगो बाहर क्या आएगा, बाहर क्या आएगा, पहली बात बाहर क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा या वाटर आएगा? व्हाट वाटर आएगा, वाटर आएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन से कौन आता है, सिर्फ सॉल्वेंट आता है, राइट? सॉल्वेंट आते है तो वाटर बाहर आएगा, कहां से? अंदर से बाहर, राइट? मैंगो के अंदर से सॉल्वेंट बाहर चला जाएगा, अगला मैंगो वाटर पहले से ही है उसमें। अरे मैंगो के अंदर वाटर नहीं होता। अच्छा अभी जो उसको रखा था वाटर में वही है क्या? क्या क्या वो नहीं रहे, तू एक सिंपल मैंगो के अंदर में होता है ना, पका हुआ मैंगो, तू पेड़ से गिरता है पका हुआ, हाँ। तो उसके अंदर लिक्विड, उसके अंदर वाटर नहीं होता क्या? होता है। हाँ तो वही वाटर, तो तू अच्छा। उस मैंगो को एसिलिक एसिड में डाल लेगा तो मैंगो के अंदर का जो वाटर बाहर आना शुरू होगा, ठीक है? बोल डाउट, बोलते रहा अभी, बोल तुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ। नहीं सर समझा, मुझे लगा कि वो जो मैंगो डाला नहीं, था। नहीं नहीं ये इसको इसको भूल जाओ, पहले के इसको भूल जाओ। हाँ तो क्लास माय क्वेश्चन इज, अगर वाटर बाहर आ जाएगा तो क्लास मैंगो श्रिंक होगा या स्वेल होगा? श्रिंक होगा, श्रिंक हो जाएगा। हाँ तो क्लास ये पहला जो केस है जब अंदर पानी भरा था, इसको बोलते हम लोग एंडोऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं इसको? एंडोऑस्मोसिस, तो अंदर पानी है, राइट? और यहाँ पे जो बाहर जाए इसको बोलते हम लोग एक्सोस्मोसिस, ठीक है क्लास? तो अभी हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस, नोट्स ओपन करो, पेज नंबर है आपका 56, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्राई। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में किसने सॉल्व किया, कोई डाउट है किसमें, किसी क्वेश्चन में जिसको आंसर नहीं आया वगैरह वगैरह? सर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में 43rd क्वेश्चन, 43rd पे, ठीक है मैं करता हूँ। हाँ सर 43, हाँ आप, मैं वो भी करता हूँ पर क्लास आप भी क्वेश्चन करोगे। हाँ 43, चलो करते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब W2 पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया इसका 100 ग्राम पर मोल, W1 दिया है 100 ग्राम एंड डेल्टा TB दिया है कितना 0.07 के लिए, राइट? और आपको पूछा है, हाँ क्या डाउट है इसमें, ये तो बच्चे लोग बोलो। देखो उन्होंने क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट टू राइज बॉइलिंग पॉइंट बाय 0, तो क्लास राइज बॉइलिंग पॉइंट बाय 0.07 मतलब ये इज इट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हाँ या ना? हाँ यस सर। अभी तो इजी है, हो जाएगा। राइज मतलब क्या, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट? कितने से चेंज हुआ, 0.07 से बढ़ा, दैट इज नथिंग बट डेल्टा टीबी। तो फॉर्मूला आपका डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू W2 अपॉन M2 इनटू 1000 अपॉन W1, पुट द वैल्यूज। ठीक है करो, ट्राई करो।
1.346. ऑप्शन है ऑप्शन सी 1.34. ओके ऑस्मोसिस वाले क्वेश्चन ट्राई करो, डाउट आता है प्लीज पूछ लो. फिफ्टी टू का आंसर क्या है? 52 का आंसर डी श्रिवल्स एज इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस. क्योंकि बाहर क्या है ब्राइन, ब्राइन मतलब क्या नमक का पानी राइट. तो कुंभर के अंदर भी सोल्यूशन है बाहर भी सोल्यूशन है, नमक का पानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वाटर विल स्टार्ट गोइंग आउट, वो कुंभर से बाहर आना शुरू करेगा. इट विल श्रिंक. आंसर ऑप्शन डी. हाँ Weintraub Charles law bahut simple hai. Weintraub Charles law pi upon t plus Weintraub Charles law aapke book mein nahi hai to dhyan dekhe, matlab simple hai koi book mein nahi hai to dikhega nahi aapko book mein, to pi upon t equal constant. 54 a pi is equal to crt. If you increase the pressure, osmotic pressure also increase. हाँ, 55 try करो. Sir, C आया. C आ गया, कर दिया आप लोगों ने. Formula क्या था वाला 55 का? C. Pi is equal to CRT. Pi is equal to CRT. Very good. Conversion की जरूरत थी कोई? Sir, 56 का question समझा दो ना. बताता हूँ एक मिनट. Pi equal to. चलिए complete करते हैं. CRT. My question was question 55. मैं आपको कोई conversion का जरूरत था conversion का? नहीं ना? नहीं था. Direct आपको answer आ गया. हाँ. और उन्होंने R का value भी दिया है. Actually देते नहीं. हाँ. 56. Very important. Osmotic pressure 2% solution of cane sugar at 100 degree Celsius. Right? Formula क्या? Pi equal to CRT. आपको सी कितना दिया है? 2% राइट. 2% हाँ पक्लास चलेगा ये परसेंटेज यहाँ पे बिल्कुल नहीं. हमें सी किस में होता है? मोलारिटी में राइट. और आपको किस में दिया है? परसेंटेज में दिया है. लेट मी एक्सप्लेन. इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 56 द कॉन्सेंट्रेशन गिवन इज 2% राइट प्लस परसेंट का कौन सा परसेंट? वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कौन सा परसेंटेज बोलो तीनों में से? वेट बाय वॉल्यूम. नहीं जब तक मेंशन नहीं किया होता तो पर्सन क्या होता है हमेशा तब तक वेट बाय वेट होता है. मैंने आपको शायद बताया है पहले. जब तक मेंशन नहीं किया कौन सा परसेंटेज बाय डिफॉल्ट इज विच परसेंटेज? वेट बाय वेट राइट. वेट बाय वेट तो कितना परसेंट है वेट बाय वेट? कितना दिया उन्होंने? 2% राइट एवरीवन. यस सर. ओके बाद में व्हाट इज डेंसिटी गिवन? Density not given. हाँ, class नहीं दिया तो density कितना लेने का? 1. If density is not given, कितना लेने का हमेशा? 1 gram per ml. If gram per, sorry, gram per cm cube. देखो density उन्हें देना चाहिए. Without density problem solve होगा नहीं. तो whenever density is required and not given, we always take density is equal to. हम assume करते density 1 gram per cm cube. Okay. नाम क्या solute का? Cane sugar, right? तो इसका molar mass कितना होगा? C12 H22 O11 कितना होगा? 342 आप solve करो. Cane sugar, हाँ 342. तो क्या यहाँ पे problem क्या? आपको चाहिए C और दिया आपको W by W. तो आपको एक formula बताता हूँ. Molarity is equal to percentage by mass. मैं शायद मैंने आपको last time में बताया था into density into 10 upon molar mass of solid plus apne sunaya kabhi formula hai maine aapko likh ke diya tha last lecture mein. ha the class molarity has formula percentage by mass into density into 10 upon molar mass of solid. to class percent kitna hai
टू है 2% 342 प्लस यहाँ का आपका कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर कितना है टेम्परेचर है 100 डिग्री राइट तो 100 प्लस 273 मतलब 373 केल्विन प्लस अभी फॉर्मूला पाई इक्वल टू सीआरटी बराबर एवरीवन यस सर आपका सी कितना है 20 डिवाइडेड बाय 342 इधर से राइट आर का वैल्यू कितना लोगे आप प्लस वी ऑलवेज टेक वैल्यू ऑफ आर 0.0821 टेम्परेचर 373 तो इसको मैं थोड़ा और सिंपलीफाई करता हूं तो 20 इनटू 1 बाय 12 चलेगा ना 1 बाय 12 एक्सक्यूज मी सर हां बोलो सर वो 0.082 आपने लिया तो 8.314 कब लेंगे 8.314 आर की वैल्यू कब लेंगे ये मैंने कितना लिया 8.314 हां जब आपको जूल में इस फार्मूला में ले लेंगे उसको हम लोग इसमें हमेशा वही लेंगे कौन सा 0.821 ये फार्मूला था ना इसमें ये वाला यहाँ पे अगर आपको प्रेशर लेना है किसमें पास्कल में हाँ समझ रहे हैं यस सर आर लोगे 8.314 तो आपको वॉल्यूम मिला है मीटर क्यूब में यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे आपको बताओ यहाँ पे क्या होता है पाई इक्वल टू सीआरटी सी हमेशा किसमें होता है सी हमें मोलारिटी हमेशा किसमें होता है व्हाट इज यूनिट ऑफ मोलारिटी मोल पर लीटर ना या मोल पर लीटर तो यहाँ पे लीटर आएगा तो ये भी लीटर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए हमेशा नहीं समझा? Yes. C is in mole per liter. तो R का भी liter में आना चाहिए। तुम 8.314 लेके तो क्या होता है वो? Joule per Kelvin per mole, वो meter cube में हो जाता है। Solve करो इसको। B option 1.81 ये option B option आएगा 1.8 B क्या आएगा good हाँ next वाला करो fifty seven ठीक है पाई वाला माइक देते हैं नो प्रॉब्लम मतलब क्या C1R T1 इक्वल टू C2R T2 बराबर ना yes, उन्होंने टेम्परेचर अलग लिखा दोनों का टेम्परेचर लिखा अलग अलग वहां पे कोई मेंशन है टेम्परेचर अलग अलग है अगर मेंशन नहीं मतलब टेम्परेचर क्या दोनों साइड पे सेम है R कैंसिल तो बचा क्या बोलो C1 is equal to C2 हाँ प्लस टेम्परेचर अलग अलग देते तो हम लोग T1 T2 को भी कंसीडर करते पर वहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं मतलब वी हैव टू अज्यूम टेम्परेचर सा सेम दोनों का टेम्परेचर सेम है ऐसा आपको अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मेंशन ही नहीं किया तो व्हाट इज C1 फॉर्मूला W2 upon M2 1000 upon ओके वॉल्यूम लीटर में है वहां पे हां 1 upon वॉल्यूम इन वॉल्यूम लीटर राइट ये किसके लिए हो गया आपके सी
केन शुगर ना, केन शुगर। प्लस बाद में यूरिया का ना, प्लस यूरिया का वेट कितना, हाँ यूरिया का डब्ल्यू टू अपॉन एम टू वन अपॉन वी इन लीटर, दिस इज फॉर यूरिया। तो प्लस व्हाट मास ऑफ केंचुका, केंचुका का मास मालूम नहीं है, उसका मोलर मास होता है 342 बराबर है, एंड कितना लीटर बोला है सॉल्यूशन, 1 लीटर बराबर है। प्लस यूरिया का मास उन्होंने दिया है 6 ग्राम बराबर है, 6 × 10⁻³ kg, 6 ग्राम मोलर मास ऑफ यूरिया 60, वॉल्यूम दिया 1 लीटर। बट 10 कितना आएगा 34.2, ऑप्शन बी बराबर। क्लास एवरीवन बराबर है, हां या ना? यस सर। 340 ऊपर जाएगा, 340 बटन कितना होगा 34.2 ग्राम। ये चेक करो, नहीं समझा तो बताओ मुझे। क्लास 58 का आंसर बताओ। क्लास नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लिख के देता हूँ।